दोस्तों, अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रू कॉलर सेफ़ है, अगर वो सेफ़ है तो कितना सेफ़ है और कितना ये हमारे साथ हमारे डेटा का खिलवाड़ करता है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू कॉलर है क्या। देखो, मैं आपको बता दूँ, ट्रू कॉलर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि अननोन किसी नंबर का नेम शो कर देती है अगर वो नंबर हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव ना हो। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रू कॉलर काम कैसे करती है। तो ट्रू कॉलर का काम करने का तरीका है, वो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स। इसका मतलब ये, अगर आप ट्रू कॉलर को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये जितने भी आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो अपने सर्वर पर अपलोड कर देता है, और जो भी नंबर, मतलब अननोन नंबर आपको कॉल करता है तो वो अपने सर्वर से मैच करता है, सब लोगों के नंबर में से वो नंबर कहाँ है वो मिल जाता है, और जो भी नंबर आपका वहाँ पर सेव होगा, मतलब जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होगा, वही नंबर आपके सामने शो कर देता है। तो ऐसे काम करता है ट्रू कॉलर, जिसके जरिए आपको अननोन नंबर्स के नेम पता पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में। मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या होती है, जो हमारा ट्रू कॉलर आपने इंस्टॉल करके रखा है, मान लीजिए, क्या हमारी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेफ होती हैं, मतलब क्या सुरक्षित हैं? तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल नहीं। ट्रू कॉलर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख के रखा है कि हम आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर जो भी नंबर है हम अदर कंपनी के साथ कभी भी शेयर कर सकते हैं या कभी भी इन्हें बेच सकते हैं, आप इसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकते हैं। ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। आप जब भी ट्रू कॉलर ऐप पर देखेंगे या फिर वेबसाइट पर जाके देखेंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये साफ साफ लिखा है कि वो आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रू कॉलर कितना सेफ है। अकॉर्डिंग टू मी, ट्रू कॉलर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि ये हमारे डेटा के साथ कुछ भी कर देता है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक नंबर है सीमा के नाम से और वो आपकी बहन जी हैं, ठीक है ना। अब ट्रू कॉलर ऐप पे तो कई सारी सीमास हैं जो कि ऑलरेडी सेफ हैं, तो कुछ निठल्ले लोग या फिर कह सकते हैं तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है, वो ट्रू कॉलर पर सिर्फ गर्ल्स के नंबर ही मतलब सर्च करते रहते हैं, और फिर जो भी मिल जाता है उन्हें रिसेंटली कॉल कर लेते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। तो ऐसा एक जरिया होता है डेटा के लॉस होने का। दूसरी चीज़, डेटा का लॉस क्या होता है, मान लीजिए आपका डेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बेच दिया गया है, मान लीजिए वो हेयर फॉल की कंपनी है, मतलब आपके बालों के झड़ने से रिलेटेड वही कंपनी है, तो आपके पास हमेशा उसी कंपनी का कॉल आएगा कि आपने बालों से झड़ने की प्रॉब्लम है आपके सिर में, आप ये ऑयल खरीद लीजिए, ये ऑयल वो ऑयल। तो ऐसे ऑयल खरीदने के लिए भी आपके साथ टिप्स दी जाएंगी जो कि बिल्कुल फ्रॉड होगी। और मैं आपको बता दूँ, ये ट्रू कॉलर होता है ये बिल्कुल भी मतलब सही डिटेल नहीं देता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि जो ट्रू कॉलर है वो हमें सही नाम बताता है तो वो भी बिल्कुल गलत है। मैं आपको ऐसे क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपके फ़ोन में सुनील वर्मा का कोई नंबर है, उस नंबर पे जो नेम है पर्टिकुलर उस इंसान का, वो है सुनील वर्मा, लेकिन वो सुनील वर्मा किसी के और के पिता होंगे, तो उस बच्चे के फ़ोन में होगा पापा के नाम से सेव वो नंबर। अब क्या होगा कि ट्रू कॉलर वहाँ से अपना डेटा उठाएगा, शो कर देगा, तो कभी कभी ट्रू कॉलर पे पापा मम्मी बहन ऐसे ऐसे नंबर भी वहाँ पे शो हो जाते हैं, नेम शो हो जाते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं ट्रू कॉलर बिल्कुल एक्यूरेट है? मैं आपको बता दूँ, अगर वही नंबर और किसी के सिम में सुनील वर्मा या फिर सुनील भाई के नाम से सेव होगा तो बस वो पापा नहीं दिखाएगा, क्योंकि ट्रू कॉलर का मैकेनिज्म ऐसा है, वो सरनेम और नेम मैच कर लेता है या फिर कैच कर लेता है, उसे पकड़ने की क्षमता रखता है। तो ऐसे काम करता है ट्रू कॉलर और ऐसे आपकी डिटेल्स चुराई जाती है। अब आप ये पूछेंगे क्या क्या डिटेल्स हमारी मतलब एक्सेस करके रखता है ट्रू कॉलर। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आपका आईपी एड्रेस, आप किस कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं वो, आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हर चीज़, यानी कि जी आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में हैं वो भी देखता है, और ये भी देखता है आप ब्राउज़र पर क्या सर्च कर रहे हैं, ये भी देखता है कि आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें ट्रू कॉलर आपकी ले लेता है। तो बताइए कौन सी डिटेल बची है जो कि ट्रू कॉलर ने आपकी नहीं ली। और मैं आपको जानकारी दे दूं, जितनी भी ये डिटेल मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये सारी डिटेल तो लेता है, साथ ही साथ आपके डेटा की कोई भी गारंटी नहीं है कि कहाँ पर ये सेफ रखता है। तो भाई, आपको ट्रू कॉलर की सच्चाई तो पूरी पता पड़ गई कि अब आप पूछेंगे कि ये कितना सेफ है। मेरे अनुसार सेफ नहीं है। मान लीजिए आपके पास अननोन नंबर से कितने कॉल आते होंगे दिन में, 2 या 3, मोस्टली 5-10 भी मेरे पास नहीं आते, मेरे पास तो 1 या 2 ही कभी कभी आ जाए, वो भी कंपनी का। तो 1 से 2 नंबर्स के लिए अगर आप ट्रू कॉलर डाल के रखते हैं तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। मैंने पहले डाला था, मुझे पता चला, मैंने हटा दिया,
मैं भी ट्रू कॉलर यूज़ नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन नहीं है। अब आप ये पूछेंगे इसका विकल्प क्या है या फिर अल्टरनेटिव दूसरा ऐप ऐसा कोई है? देखो मैं आपको बता दूँ, चाहे वो इंडिया का हो कोई का भी ऐप हो, वो कहीं ना कहीं आपकी डिटेल्स के साथ खिलवाड़ करेगा, यानी कि वो कोई सा भी ऐप हो उसके पास भी डेटा कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसका उपलब्ध जो विकल्प है वो ट्रू कॉलर ही है। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको जानना है किसी अननोन नंबर्स के फ़ोन नंबर या फिर उसके नेम वगैरह जानना है, तो आपको ट्रू कॉलर वेब पर जाना होगा। वहाँ पर वेबसाइट पर जाके आप एक फीमेल आईडी और एक फेक मोबाइल नंबर डाल से आप लॉगिन हो जाइए। वहाँ पे आप फेक से ही डालना, रियल नहीं, कोई भी फेक बना लीजिए, 2 मिनट में बन जाएगी। वहाँ से जाके लॉगिन हो जाइए और आपको जिस नंबर का नेम या फिर जो भी जानना हो आप वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको नेम वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी ट्रू कॉलर के बारे में, ये कितना सेफ है, इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब भाई वो लोग तो क्या कहेंगे कि जिन्हें मतलब डेटा ही फिक्र ही नहीं है, तो वो तो कहेंगे हाँ भाई यूज़ करो, कोई फिक्र नहीं है। तो भाई यूज़ करो, हमें क्या जा रहा है, हमें तो हमारा काम है आपको बताना। बता दिए तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों शेयर कर देना, चैनल पर नए जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्स रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।